संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने आज शुक्रवार को भारत बंद का ऐलान किया है, जिसके चलते किसानों ने पंचकुला शिमला नेशनल हाईवे को पूरी तरह से बंद कर दिया है। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार तीनों काले कानूनों को वापस नहीं ले लेती और एमएसपी को लागू नहीं करती, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। बता दें कि पिछले 4 महीनों से किसान कृषि कानून के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। भारत बंद का असर जहां देश के सभी राज्यों में देखने को मिल रहा है, वहीं पंचकुला शिमला नेशनल हाईवे स्थित चंडी मंदिर टोल प्लाजा पर किसानों ने जाम लगाया हुआ है। किसान इमरजेंसी वाहनों को छोड़कर बाकी किसी को भी आगे नहीं जाने दे रहे हैं। भारत बंद के चलते प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी भारी सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।